क्या आप कोई लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट है 30,000 रुपीज़ यानी कि 30,000 रुपये, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉप 5 लैपटॉप जो आप 30,000 रुपीज़ के बजट में ले सकते हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 रुपये का है तो मार्केट के अंदर आपको इससे बेस्ट लैपटॉप 2018 के अंदर अभी इस वीडियो के बनने तक नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये आपको वीडियो अभी दे रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो या तीन बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप देख रहे हैं 30,000 के बजट के अंदर, तो प्लीज मेरा आपसे एक एडवाइस है कि 30,000 के बजट में आप ना जाए, उससे आप ऊपर चले जाएगी। क्योंकि काफी रिसर्च करने के बाद भी मेरे को मालूम पड़ा है कि जो आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स के लैपटॉप जो कि इतनी अच्छी उनकी सर्विस नहीं है, आप ब्रांड इतने अच्छे नहीं है, वो हो सकता है आपको एक ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप आपको इस रेंज में दे दे, लेकिन बाद में मिलने वाली आफ्टर सेल सर्विस या उसकी क्वालिटी में मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। जो भी मैं आपको लैपटॉप बता रहा हूँ वो लैपटॉप मैंने पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप लैपटॉप लेने के लिए जाएं तो कंपनी को ज़रूर प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस आपको अल्टीमेटली वो कंपनी देने वाली है। इसीलिए मैं जो आपको टॉप 5 लैपटॉप बता रहा हूँ उसके अंदर मैंने डेल, HP और लेनोवो ये 3 ब्रांड ही रखे हैं। इसके अलावा मैंने ब्रांड नहीं रखे हैं क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस जब मैंने रिसर्च किया है तो उनकी इतनी अच्छी मुझे नहीं मिली। अगर उनकी आफ्टर सेल सर्विस आने वाला टाइम में अच्छी होगी, डेफिनेटली मैं अगले आने वाले वीडियोज़ के अंदर उनको ज़रूर शामिल करूंगा। तो बिना वक्त गवाए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, हमारा पहला लैपटॉप जो होने वाला है वो है HP का 15Q, मॉडल का नंबर है जो है BU006TU। ये लैपटॉप आपको 30,000 की रेंज के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको इंटेल का कोर i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर मिलने वाला है। 8GB की इसके अंदर आपको DDR4 की रैम मिलेगी, जिसको आप 16GB तक बढ़वा सकते हैं। 8TB की इसके अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलेगी, 1TB की हार्ड ड्राइव, और वो भी 5400 RPM के अंदर। 15.6 इंचेस की आपको इसके अंदर फुल HD की स्क्रीन मिलने वाली है, साथ में इंटेल का 520 का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलने वाला है। तो नॉर्मल गेम इसके अंदर आप खेल पाएंगे। डेली यूज़ के लिए लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जिसके अंदर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इंटरनेट का सर्फिंग करते हैं, डेफिनेटली ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इवन अगर आप मल्टीटास्किंग भी करते हैं तो लैपटॉप आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो यू कैन गो फॉर दिस, HP एक अच्छा ब्रांड है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरे लैपटॉप की अगर बात करूं तो दूसरा लैपटॉप जो है वो लेनोवो 15 है, मॉडल का नंबर है V1080TL016LIH। दोस्तों, मॉडल्स के नाम काफ़ी लंबे हैं, हो सकता है आपको इस तरीके से ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में डिटेल आपको ज़रूर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने चाहे तो लैपटॉप को परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरा एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हो सके तो ये लैपटॉप अगर आपके नियर बाई आउटलेट में अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर इसको देख सकते हैं और फिजिकली भी देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसमें जो डिलीवरी होती है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है, तो पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर नुकसान हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता, और काफ़ी टाइम बाद हमें पता चलता है, तब तक हमारे रिप्लेसमेंट के टाइम चला जा चुका होता है। तो ऐसे में मेरा एक सजेशन है, जब भी आप लैपटॉप बाय करें तो एक बार नियर बाय अपने मार्केट में ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर जाके ही आप इसको परचेज कीजिएगा, ताकि जो इस तरीके के डेलिकेट पार्ट्स होते हैं या फिर जैसे कैमरा की बात करूं या लैपटॉप की बात करूं, तो अच्छा रहता है कि उसको एक शोरूम में जाके ही उसको और ऑथराइज शोरूम में जाके ही उसको परचेज किया जाए। तो ये बात इसमें इसी चीज़ में आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी बतानी है। मॉडल नंबर मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे ही रहा हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी है इंटेल i3 प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलेगा 6th जनरेशन का। 4GB की इसके अंदर आपको रैम मिलेगी, जिसको आप 16GB तक बढ़ा सकते हैं। 1TB की इसके अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलने वाली है। फुल HD की इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलेगी 15.6 इंचेस की। 1.93 kg का इसका वेट है। इसका एक कोन है, इसके अंदर आपको DOS जो है वो मिलने वाला है, यानी कि विंडोज़ इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, वो आपको अपने आप से डालनी पड़ेगी या फिर आपको एक परचेज करके किससे डलवानी पड़ेगी। 4 सेल्स की इसके अंदर आपको लिथियम बैटरी मिलेगी, जिसका 4 घंटे के करीब का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एक अच्छी बात जो मैं इस लैपटॉप के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 3 साल की गारंटी मिलने वाली है, या वारंटी आप कह लीजिए, क्योंकि 1 साल की वारंटी आपको इसके साथ मिलती है। और जब आप लेनोवो की वेबसाइट पर जाकर इसको रजिस्टर कराएंगे तो 2 साल की आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगी। तो इसके साथ एक बहुत अच्छा प्रो ये है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सेफ रहना चाहते हैं और एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हैं जो कॉलेज आप स्टार्ट करो तो एंड तक आपके काम आए, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। अब बारी आती है नंबर तीन पे है डेल। डेल का वोस्ट्रो 3468 मॉडल है और इसके अंदर आपको मिलेगा कोर i3 7th जनरेशन का प्रोसेसर। जी हाँ, 7th जनरेशन का प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ। 4GB की इसके अंदर आपको रैम मिलेगी, 1TB की इसके अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलेगी, 14.4 इंचेस की आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिलेगा, और इस लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज 10 का एडिशन मिलने वाला है, वो भी 64 बिट का। तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर ये एडवांटेज मिलने वाली है। एक और एडवांटेज में जो आपको बताना
बताना चाहूँगा जो इस मॉडल के अंदर आपको मिलेगी वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो आप थोड़ा सा अगर प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपके लिए एक अच्छा एक बड़ा कंसर्न है, तो डेफिनेटली आप इस मॉडल के लिए जा सकते हैं, फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी के अंदर मिले। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर ये अकेला लैपटॉप है, मतलब इस रेंज के अंदर ये अकेला लैपटॉप है जिसके अंदर आपको VGA प्लस HDMI पोर्ट दोनों मिलने वाले हैं। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर एक सेल्स में है जिसके आप रेगुलर आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के लिए जाइएगा, क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों कि जहाँ पर प्रोजेक्टर लगे होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो डेफिनेटली कहीं पर HDMI पोर्ट होता है, कहीं पर VGA पोर्ट होता है, तो दोनों जगह पर लैपटॉप आपको सपोर्ट करने वाला है। तो ये एक और इसका एज है। तीसरा, इसके अंदर आपको एक TPM चिप मिलेगी जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, तो काफी सारे आपके जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो सेफ्टी के हिसाब से अगर मैं कहूँगा तो ये लैपटॉप काफी अच्छा है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करूँ, TPM की बात करूँ, या फिर इसके अलावा VGA और HDMI पोर्ट दोनों होने की बात करूँ जो सिर्फ इसी सीरीज के अंदर अवेलेबल है, इसी रेंज के अंदर अवेलेबल है, तो फिर अगर आप सेल्स प्रोफाइल से या फिर आप बिजनेस प्रोफाइल से, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं, ये आपको काफी हेल्प करेगा। दोस्तों चौथे अगर लैपटॉप की बात करूँ तो है लेनोवो का आइडिया पैड और मॉडल का नंबर है 320। एक सिंपल इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलने वाली है, वही i3 6th जनरेशन का इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, 4GB की रैम है, 1TB की हार्ड ड्राइव और DOS मोड इसके अंदर आपको मिलने वाला है। लेनोवो की अगर बात करूं तो ब्रांड अच्छा है और इसकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग लैपटॉप होते हैं। तो अगर आप एक बेसिक लैपटॉप देख रहे हैं 30,000 के अंदर, जो आपको टफ एक लैपटॉप हो और आपको लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट करे, तो आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हैं। और अगर हम बात करूं तो नंबर 5 पे जो लैपटॉप आता है वो लैपटॉप है डेल इंस्पिरोन 14 और मॉडल का नंबर जो है वो 3467 है। 29,990 रुपये के अंदर ये आपको लैपटॉप मिलेगा। और इसके अंदर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा कि इंटेल कोर i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर, 4GB के अंदर आपको रैम मिलेगी जिसको आप 8GB तक बढ़ा सकते हैं, 1TB की 1TB के अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलने वाली है, इसके अंदर भी आपको विंडोज 10 का जो है होम एडिशन मिलेगा, 64-bit का ये जो है एडिशन है विंडोज 10 का, तो आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, या फिर 64-bit के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो भी इसके अंदर आराम से चल पाएंगे। वेट इसका काफ़ी ठीक ठाक सा है, 2 किलो से कम में आता है, 1.96 kg का है, तो आप कैरी करके अगर इसको घूमते हैं तो वो भी आपको ज़्यादा वेट इसके अंदर महसूस नहीं होने वाला है। 14 inches की इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलने वाली है, साथ ही आपको मिलेगा 15 महीने का मैककैफे एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन। तो अभी इसके ऊपर ऑफर चल रहा है, मैककैफे का इसके अंदर एंटीवायरस मिल रहा है, अगर आप नेट थोड़ा ज़्यादा सर्फ करते हैं तो एक थोड़ी सी एडवांटेज है कि आपको इसके अंदर मैककैफे का एंटीवायरस मिल जाएगा, तो आप इस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों ये थे वो 5 लैपटॉप जो मैंने आपको सजेस्ट करे, और नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ कि वाईफाई, लैन पोर्ट, वेबकैम, DVD ये लगभग सभी इन लैपटॉप्स के अंदर मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो वारंटी है वो आपको नॉर्मली जो कंपनी डिफेक्ट है उसी के ऊपर मिलता है, अगर आपका लैपटॉप जो है वो गिर गया, टूट गया या पानी उसके अंदर चला गया तो उसकी वारंटी आपको नहीं मिलती है। तीसरी चीज़ की अगर बात करूँ, क्यों मैं आपसे कह रहा था कि लोकल स्टोर में आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोकल स्टोर में आप जाके परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वो कैरी बैग इसका लैपटॉप को आपको साथ में दे सकते हैं, या एंटी ग्लेयर स्क्रीन दे सकते हैं, या फिर एक दो चीज़ें जो कॉम्प्लीमेंट्री आप थोड़ा सा पुश करके अपने लोकल वेंडर से ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो देखिए क्या होता है, लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर कभी सॉफ्टवेयर की, कभी हार्डवेयर की छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, और एक एंड यूज़र को भी पता नहीं चलता है कि जो दिक्कत है वो सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की है। तो ऐसे में आप लोकल वेंडर के पास उस लैपटॉप को ले जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बताई, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो काफ़ी जगह से ट्रैवल होके आपके पास आती है, और हर जगह एक नया कुरियर वाला होता है तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसे में काफ़ी इस चीज़ के चांसेस हो जाते हैं कि उस डिवाइस को, खासकर कि जो काफ़ी डेलिकेट डिवाइस होती है, लैपटॉप हो गया या आपके डेस्कटॉप हो गया या फिर आपके कैमराज हो गए, उनको उस तरीके से आप तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है। जबकि HP, Lenovo और डेल जैसे आप शोरूम में जाते हैं तो वो शुरुआत से लेकर एंड तक काफ़ी अच्छी तरीके से कैरी करके उसको लैपटॉप को लेके जाते हैं शोरूम में, तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं उस चीज़ के ख़राब होने के, और नियर बाय तो आप उसके पास जा भी सकते हैं। तो कुछ लैपटॉप थे जो मैंने आपको सजेस्ट करे 30,000 की रेंज में, कुछ मेरे सजेशंस थे जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इस वीडियो में आपको दे दिए। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इसको बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो इसी तरीके की वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मेरा नाम है संदीप, जल्दी ही मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।